नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल लॉर्ड जेन ऑफिशियल में थाई दिल्ली से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ की फिल्मांकन जो है 2025 में यानी कि 2 जुलाई 2025 में रिलीज़ होने वाली है सिनेमाघरों में। आपको बता दें कि जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ का फिल्मांकन अधिकृत रूप से समाप्त हो चुका है, जैसा कि निर्माता फ्रैंक मार्शल ने पुष्टि कर दी है। थाईलैंड में 13 जून को इसका निर्माण शुरू हुआ था और 106 दिनों के बाद 27 सितंबर को यूके में इसका निर्माण पूरा हुआ। मार्शल ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि टोपी की तस्वीरें थी जिसका शीर्षक था यह पूरा हो गया। कुछ हफ्ते पहले ही यूनिवर्सल ने अधिकृत तौर पर जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ का शीर्षक घोषित किया था और फिल्म के सेट पर कुछ तस्वीरें साझा की थी। आपको बता दें कि जिसका जुरासिक पार्क 1993 और इसके सीक्वल द लॉस्ट वर्ल्ड के लेखक डेविस क्वैप ने लिखी है। अधिकृत सारांश के अनुसार स्कारलेट और जनाथन और महेशला अली की मुख्य भूमिकाओं वाली ये फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डायमंड 2022 घटनाओं के 5 साल बाद की कहानी पर अधिकृत है। आपको बता दें कि जब ग्रह की परिस्थिति डायनासोर के लिए काफ़ी हद तक अनुकूल साबित हुई है, जो बचे हुए अलग थलग भूमिकाओं में वातावरण में रहते हैं जहाँ की जलवायु वैसी ही है जैसे कि वो कभी पन पाते हैं, उस जमीन में सभी विशालकाय जीव एक ऐसे दवा की कुंजी रखते हैं जो मानव जाति को चमत्कारित रूप से जीवन रक्षक लाभ पहुंचाएगी। बाकी कलाकारों के मैनुअल के बारे में बताएं तो भूमिका निभाई गई है जो एक कुशल गुप्त ऑपरेशन विशेषज्ञ जिसे दुनिया के 3 सबसे बड़े डायनासोर के से अनुकाशित सामग्री को सुरक्षित करने के लिए शीर्ष गुप्त मिशन पर एक टीम का नेतृत्व करने के लिए अनुप्रंत किया गया है। बरी ने डॉक्टर हेरनी लूमिस की भूमिका निभाई है। अली ने जोरा के साथ ही डॉक्टर केन डैंड की भूमिका निभाई है और रॉबर्ट द फ्रेंड ने अभियान को करने के लिए ड्रेड समूह के प्रतिनिधि मार्टिन कैब्रेस की भूमिका निभाई है। जोरा की टीम की फिलिपीन में स्क्रीन भी शामिल है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।